नमस्कार दोस्तों, जो एक बहुत अच्छी और बहुत ही गुड न्यूज़ निकल के आ रही है व्यापारियों के लिए, खास तौर से छोटे व्यापारी और जो मध्यम वर्ग के व्यापारी होते हैं उनके लिए, वो आ रही है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिसमें कि जीएसटी काउंसलिंग हो सकता है आने वाले समय में। जीएसटी काउंसलिंग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की रेस्ट को सस्ती कर दे, जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके ऊपर, और ये जरूर बेनिफिट करेगा एक मध्यम वर्ग व्यापारी के लिए। आपको बता दें, 10 जनवरी को प्रस्तावित जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पर टैक्स छूट देने का विचार हो सकता है। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स जो हैं, जीएसटी घटाकर इसमें 5% करने पर चर्चा हो सकती है। अगर जैसे ही अगर इस सब चीज़ों का रेट घटेगा, तो कहीं ना कहीं जो फ्लैट्स मिलते हैं, काफ़ी महंगे फ्लैट्स होते हैं, वो इम्पैक्ट करेंगे आपके एक जो फ्लैट का रेट रहेगा उसके ऊपर। आपको बता दें, घर खरीदारों को नए साल पर तोहफा मिल सकता है। 10 जनवरी को ये जो बैठक होगी, इसमें सभी छोटे और जो मझले व्यापारियों को होता है, उनको थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाने पर फैसला कर सकता है। मतलब जितना उनका लिमिट था उसे भी बढ़ाया जा सकता है, और जिसका इम्पैक्ट पड़ सकता है आपको 10 जनवरी के बाद देखने को मिल सकता है। अब इसमें बात ये निकल के आ रही है कि करीब 22 से 23 आइटम्स हैं जिसपे जीएसटी रेट घट सकती है। 22 दिसंबर 2018 को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में 28% टैक्स स्लैब से कई चीज़ों को बाहर की गई। इस बैठक में 23 वस्तुओं और सामानों पर टैक्स रेट घटाया गया। काउंसिलिंग की अगली बैठक 10 जनवरी को होगी। यह जीएसटी काउंसिलिंग की 32वीं मीटिंग होगी। आपको बता दें दोस्तों, कि काउंसलिंग की 31वीं बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बोला था कि अगले महीने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पर टैक्स कम करने और छोटे कारोबारियों को थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। मतलब कहीं कि उन्हें एक मौका मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, उनकी लिमिट से ऊपर आगे बढ़ने के लिए। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स का मकान पर जो जीएसटी रेट है वो करीब 12% है, और अभी छोटे और मझले कारोबारियों के लिए यह जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 20 लाख है। इसका मतलब यह है कि 20 लाख सालाना टर्नओवर पर कारोबारियों को जीएसटी से छूट है, लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि 7% की मिल सकती है करीब करीब इसमें, जिसमें जो अनुमानित 7% है दोस्तों, वो करीब 7% का एक अनुमानित माना गया है कि इस पर आपको दिया जा सकता है। जीएसटी काउंसिलिंग अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स और घरों को घटाकर 5% तक कर सकती है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज और जो रेडी टू मूव इन फ्लैट्स जो होते हैं, जिनकी बिक्री के समय कॉम्प्लिकेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, और कंप्लीशन जो सर्टिफिकेट मिलता है वो अभी तक नहीं मिला है, पर जीएसटी 12% है। हालांकि जिन रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी हो चुका है, उस स्थिति पर खरीदार जीएसटी नहीं वहन करना पड़ेगा। तो जो खरीदार होंगे उनको जीएसटी इस पर नहीं वहन करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। अब देखिए, छोटो कारोबार से क्या एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है, कि जो काउंसलिंग की बैठक होगी उसमें जो उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 75 लाख की जाने की संभावना है, और इसमें करीब 60 लाख छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि उनका जो थ्रेशोल्ड लिमिट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये अभी फिलहाल 20 लाख टर्नओवर के जीएसटी बाहर गए, वो साल में 20 लाख रुपए तक टर्नओवर करते हैं तो उनको जीएसटी नहीं देना पड़ता, जीएसटी से वो बाहर है, तो अभी वो 75 लाख किया जा सकता है। हालांकि सरकार को इससे करीब 55,000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान होगा। तो अभी सरकार को इससे नुकसान तो पड़ेगा, पर ये छोटे और मझले व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जीएसटी में राहत मिलने से क्या होगा कि MSMI सेक्टर में बूस्ट आएगा, सर्विस सेक्टर में कंपटीशन स्कीम को दायरे में लाया जा सकेगा, और कंपोजिशन स्कीम में सर्विस सेक्टर में 5% के जीएसटी संभव है। इस दायरे से करीब 50 लाख रुपए सालाना टर्नओवर वाले सर्विस सेक्टर में आएंगे। तो करीब करीब मिला के जो इसका जीएसटी का फोकस रहेगा, जो आपके 32वें जीएसटी का काउंसिल का मीटिंग होगा, उसमें पूरी तरह से फोकस रहेगा आपके मध्यम और जो लघु व्यापारी होते हैं, कारोबारी होते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से सुविधाओं देने का ये निर्णय लिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये अभी तक की थी, देखते हैं आगे से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगा, हम आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो शेयर करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, और जो भी जीएसटी से रिलेटेड न्यूज़ आएगा 10 जनवरी की बैठक के बाद, हम आपको इस पर शेयर करते रहेंगे, और आने वाले समय में जो भी वीडियोज आएंगे इससे रिलेटेड हम आपको देते रहेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो कॉल लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जो एक बहुत अच्छी और बहुत ही गुड न्यूज़ निकल